हेलो एवरीवन, कैसे हैं हमारे डाल्टनगंज शहर वाले। आज बहुत बुरा जाम, जिसको हम लोग सुअर वाला जाम कहते हैं, इतना बड़ा जाम ज़िंदगी में हम डाल्टनगंज में नहीं देखे। हमको डाल्टनगंज से शाहपुर जाने में 1 से 1.25 घंटा लग गया। अब बताइए इसमें एम्बुलेंस क्या हाल होगा, एम्बुलेंस का और भी इस तरह का गंदा जाम। लोग मजबूरी में नदी से पार हो रहे हैं साइकिल ले ले करके, गाड़ी ले ले करके, इतना गंदा जाम। और मेरा कहना यह है कि अगर कोई भी सरकार अगर गांव देहात में या कोई भी शहर में अगर काम करा रहा है, गाड़ी रोड का कहीं भी कुछ भी करवा रहा है, मगर उसका तत्पर क्या बनता है। मतलब कि 11 बजे काम लग जाए, जब मन तब मुंह उठाए और काम शुरू कर दिए पुल पे, बहुत गंदा। सरकार को चाहिए अपने निगाह के अंदर रख करके काम कराने के लिए। ये सब काम रात के समय होता है, जब पूरा माहौल शांत हो जाता है। यहाँ लोगों को जानबूझ करके परेशान, इतना बुरा जाम हम अपने ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं। जिसको कहते हैं ज़िंदगी में पहली बार, तो ज़िंदगी में पहली बार देखें वे डाल्टनगंज शहर में। ये वीडियो बना करके मैं डाल रहा हूँ, देखिए फ़ोटो देख लीजिए किस तरह का जाम शहर के अंदर। ये फ़ोटो देख लीजिए, अब पुल का वीडियो देख लीजिए, देखिए उस साइड का सामने का पुल देखिए किस तरह गंदा। लोग मजबूरन गाड़ी ले ले करके अपना भाग रहे हैं। देखिए नदी के अंदर, देखिए सब नदी से जा रहे हैं। वो पुल देखिए सामने, अभी जूम करके दिखाएंगे। इतना गंदा जाम रहना चाहिए, रोड बना रहा है, लोगों को परेशान करके। छी है ऐसे साला ठेकेदार लोग के ऊपर। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।